तेरे काम लेकर आए प्रभु। तेरे बलिदान के द्वारा तूने हमारे लिए पूरी कीमत चुका दी है प्यारे यीशु जी, और इसलिए इस पूरी कीमत के कारण हम प्रभु आज अपनी चंगाई ग्रहण कर सकते हैं प्रभु राजा, अपने आनंद, अपनी शांति, अपना उद्धार हम ग्रहण कर सकते हैं, छुटकारा ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद 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 जीवित यीशु, हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। आज हर एक जीवन में तेरी राज आने दे परमेश्वर पिता। इस सभा को तेरे लहू में ढांपते हैं प्रभु यीशु मसीह, शुरू से आखिर तक तू इसे अपने नियंत्रण में ले। इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, सुंदया से कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम प्रभु परमेश्वर की आराधना करेंगे, और प्रभु परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपना मन लगाएंगे। हालेलुया, कितना सुंदर समय। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। और इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, सारी आशीषें मिलती है यीशु से। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए इस गीत को गाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हमारा प्रभु आज हमारे बीच में है, हमने प्रार्थना की है, और प्रभु परमेश्वर जरूर अपने आशीषों से हर एक जन को भरेगा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीष मिलती है यीशु से, ओ सारी आशीषे मिलती है यीशु से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, मृत्यु पर जयवंत यीशु जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, मृत्यु पर जयवंत यीशु जय जयकार। अपनी मौत से मुझे दिया जीवन यीशु ने, ओ अपने मौत से मुझे दिया जीवन यीशु ने। हालेलुया, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, मृत्यु पर जयवंत यीशु जय जयकार। ओ हो जय जयकार जय जयकार जय जयकार, मृत्यु पर जयवंत यीशु जय जयकार। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, शैतान का सर कुचलने वाले स्तुति हो। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, शैतान का सर कुचलने वाले स्तुति हो। मुझको जय मिलती है यीशु की सूली से, आह मुझको जय मिलती है यीशु की सूली से। हालेलुया, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, शैतान का सर कुचलने वाले स्तुति हो। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, शैतान का सर कुचलने वाले स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मुझको लेने यीशु आने वाला है, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया,
मुझको लेने यीशु आने वाला है, मेरे लिए स्वर्ग में जगह बनाता, पिता से प्रार्थना करता हूँ, मेरे लिए स्वर्ग में जगह बनाता, पिता से प्रार्थना करता, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मुझको लेने यीशु आने वाला है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मुझको लेने यीशु आने वाला है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मुझको लेने यीशु आने वाला है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, तू सारी आशीषे मिलती है यीशु से, ओ बोलो सारी आशीषे मिलती है यीशु से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, ओ हो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, मृत्यु पर जयवंत यीशु जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, मृत्यु पर जयवंत यीशु जय जयकार, अपनी मौत से मुझे दिया जीवन यीशु ने, ओ अपनी मौत से मुझे दिया जीवन यीशु ने, हालेलुया जय जयकार जय जयकार जय जयकार, मृत्यु पर जयवंत यीशु जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, मृत्यु पर जयवंत यीशु जय जयकार, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, शैतान का सर कुचलने वाले स्तुति हो, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, शैतान का सर कुचलने वाले स्तुति हो, मुझको जय मिलती है यीशु की सूली से, हालेलुया, मुझको जय मिलती है यीशु की सूली से, हालेलुया, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, शैतान का सर कुचलने वाले स्तुति हो, हाँ स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, शैतान का सर कुचलने वाले स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मुझको लेने यीशु आने वाला है, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मुझको लेने यीशु आने वाला है, मेरे लिए स्वर्ग में जगह बनाता, पिता से प्रार्थना करता, ओ मेरे लिए स्वर्ग में जगह बनाता, पिता से प्रार्थना करता, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मुझको लेने यीशु आने वाला है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मुझको लेने यीशु आने वाला है, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मुझको लेने यीशु आने वाला है। धन्यवाद 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 प्रभु, तेरी महिमा हो, मुझको लेने यीशु आने वाला है, हालेलुया, लॉर्ड वी ग्लोरीफाई योर नेम ऑफ जीसस, वी ब्लेस यू जीसस, हालेलुया हालेलुया।
अगला गीत गाएंगे हम 157 धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे विदाउट Hallelujah. Thank you, Jesus. Dhanyavaad sada Prabhu Krishna tujhe tere sana mukh sheesh nava pe hum teri aaradhana karne ko darbaar mein tere aate hain धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे तेरे सन्मुख शीश नवाते हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे धन्य बलिदान हुए हम उनके साहस त्याग को और हम उनके साहस त्याग को ले नित्य आगे बढ़ते जाते हैं धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे तेरे सन्मुख शीश नवाते प्रभु कृष्ण तुझे जिस क्रूस पर तेरा रक्त बहा संसार के पापी जन के लिए जिस क्रूस पर तेरा रक्त बहा संसार के पापी जन के लिए उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा हम दुनिया में फैलाते हैं धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे तेरे सन्मुख शीश नवाते हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे अपराध क्षमा कर दयानिधि बल पार्श दे अगवाई कर अपराध क्षमा कर दयानिधि बल पार्श दे अगवाई कर फिर अपने मन मन जीवन को फिर अपने मन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आज हम धन्यवाद चढ़ा रहे हैं प्रभु को प्रिय भाइयों बहनों हम धन्यवाद चढ़ा रहे हैं किसी इंसान को नहीं लेकिन ऐसे परमेश्वर को जिसने धरती और आकाश को बनाया और जबकि उसने धरती और आकाश को बनाया ये गीत कहता है 158 कि धरती आकाश दोनों यीशु की आवाज़ सुनेंगे संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे परमेश्वर का वचन बताता है कि पृथ्वी कराह रही है और वो कह रही है मेरा छुटकारा कब है
पृथ्वी कराह रही है। प्रियो, ये वचन बताता है और हम देखते भी हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और चारों तरफ हमारे और कैसा कैसा कोहराम हो रहा है। जो यीशु को नहीं जानते नहीं वो भी कह रहे हैं कि अब अंत आ गया, अब पृथ्वी का अंत आ गया। हर एक जबान पे यही वर्ड है। तो ये गीत कहता है, तो जब पृथ्वी का अंत आ ही गया है तो क्यों ना उस परमेश्वर के चरणों में आए जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो हमें स्वर्ग में ले जाने की क्षमता रखता है, सक्षम है। हालेलुया। तो आइए यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बनाएं और उस धरती और आकाश के बनाने वाले परमेश्वर की उपासना करें और स्वर्ग में जाएं। आइए इस गीत को हम गाएं। थोड़ा नीचे लेना क्योंकि आगे बढ़ेंगे गाने पाएंगे और नीचे। हाँ ठीक है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आकाश दोनों यीशु की आवाज़ सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों यीशु की आवाज़ सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों यीशु का वचन ऐसा है जो चिराग सा चलता है। ओ यीशु का वचन ऐसा है चिराग सा चलता है, उस पर कोई चलता है जीवन उसे मिलता है। उस पर कोई चलता है जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने कभी बिना हटते गए, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों यीशु की आवाज़ सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों यीशु का समय आता है, धरती मगन होगी यीशु का समय आता है, धरती मगन होगी उसकी दया बरसेगी और दूर चलन होगी। उसकी दया बरसेगी और दूर चलन होगी। यीशु का समय आता है, धरती मगन होगी यीशु का समय आता है, धरती मगन होगी। उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा
और शक्ति हम देखेंगे संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे धरती आकाश दोनों यीशु की आवाज सुनेंगे संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे धरती आकाश दोनों आके उठा कर देखो यीशु का दिन आता है ओ आके उठा कर देखो यीशु का दिन आता है उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा आके उठा कर देखो यीशु का दिन आता है ओ आके उठा कर देखो यीशु का दिन आता है उसको ग्रहण जो करेगा वही सब जाएगा उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा जिसने यीशु को न माना वो एक दिन रोएगा संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे धरती आकाश दोनों यीशु की आवाज सुनेंगे संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे धरती आकाश दोनों आके उठा कर देखो यीशु का दिन आता है अरे आके उठा कर देखो यीशु का दिन आता है उसको जो ग्रहण जो करेगा संसार जा ग्रहण करिए उसको उसको ग्रहण जो करेगा कहीं साथ जाएगा जिसने यीशु को न माना वो एक दिन रोएगा संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे धरती आकाश दोनों यीशु की आवाज सुनेंगे संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे धरती आकाश दोनों हालेलुया ताली बजाए प्रभु के लिए हालेलुया धन्यवाद 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 हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी धरती आकाश तेरी आवाज सुनते हैं प्रभु आज हम सब मनुष्य प्राणी भी तेरी आवाज सुनेंगे प्रभु हालेलुया 159 नन्ने मुन्ने बच्चों आओ चले प्यारे मसीह से हम बातें करें आज मेरा पूरा विश्वास है जितने सारे हालेलुया यहाँ पे प्रेक्षक है दर्शक है उनमें बच्चे भी होंगे और इन बच्चों के लिए हम ये गाना गाना चाहते हैं आपके परिवार के बच्चों के लिए आपके परिवार के लिए बच्चों के लिए सिस्टर जॉली एक VBS प्रोग्राम करना चाहती है और पास्टर अब्राहम जो है उस पर ही इज वर्किंग ऑन इट वो जो है उस पर काम कर रहे हैं तो जो जो परिवार से जो जो कार्यक्रम देना चाहते हैं आप
हालेलुया। तो ये VBS हम रख सकते हैं, हालेलुया। तो ये VBS हम जो है आपके कार्यक्रमों पर निर्भर है, हालेलुया। अगर ये कार्यक्रम जो है तो VBS जो है उसके लिए अलग होगा। ये हमारा 4 बजे की कार्यक्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ हो सकता है 12 बजे 1 बजे पास्टर अब्राहम जैसे भी डिसाइड करते हैं, हम VBS का कार्यक्रम भी जो है इसी ऑनलाइन के द्वारा करेंगे। और अगर आपके बच्चे कोई कार्यक्रम कराना चाहते हैं तो वो कार्यक्रम आप रिकॉर्डिंग करके मेरे पास भेजिए और मैं पास्टर अब्राहम को दे दूंगा, या तो आप डायरेक्ट पास्टर अब्राहम को दे दीजिए जिनके पास पास्टर अब्राहम का नंबर है। हालेलुया। अपने घर में कार्यक्रम मतलब प्रभु यीशु के गीत या स्किट या कोई भी ऐसी चीज अगर आप देना चाहते हैं तो आप जरूर दे दीजिए। आपका स्वागत है। कलवरी चर्च के हर एक सदस्य का उस पर अधिकार है कि आप इनको दे सकते हैं। और अगर कोई प्रेक्षक दर्शक भी अगर देना चाहते हैं तो यू आर ऑल्सो वेलकम। हालेलुया। जरूर आप दे दीजिएगा। हालेलुया। तो हम कलवरी चर्च के द्वारा वो VBS का कार्यक्रम रखेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसमें भाग लें। तो हम बच्चों के लिए गाना गाएंगे आज। और बच्चे लोगों, ये बहुत सुंदर गीत है, यीशु मसीह को ऊंचा उठाने का गीत है। हालेलुया। जरूर आपके लिए गीत गा रहे हैं, लेकिन इस गीत का हालेलुया एम यीशु मसीह को ऊंचा उठाना है। तो आइए हम गीत गाएंगे, आप भी गाइए प्रभु यीशु मसीह के लिए। आप भी गाए, हम भी गाए, पापा गाए, मम्मी गाए यीशु के लिए। ये बच्चों को सिखाना भी है, जरूर है ना। हालेलुया। यस चले प्यारे मसीह से हम बात करें।
दिल प्यारे मसीह से हम बात करें। अन्ने मुन्ने बच्चों आओ चले प्यारे मसीह से हम बात करें। अन्ने मुन्ने बच्चों आओ चले प्यारे मसीह से हम बात करें। अरे प्यारे मसीह से हम बात करें। प्यारे मसीह से हम बात करें। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद। हमारे बच्चों को आशीष देने वाले प्रभु का धन्यवाद। अभी तक चलाया प्रभु धन्यवाद। तेरी महिमा हो नमो नमो युवा समय में। हालेलुया पुरंदर बाबा रा बाबा रा बाबा रा बाबा रा बाबा रा बाबा। बच्चों के लिए गीत गाया, अभी जवानों के लिए भी गीत गाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं सारे जवान जो है वो पवित्र बने, यूसुफ के समान पवित्र बने। उनके सारे गंदे कामों को करने का मौका शैतान उनको देगा, लेकिन हमारे कलवरी चर्च के जवान पवित्र और शुद्ध रहेंगे यूसुफ के साथ, यूसुफ के समान, यीशु के समान। हालेलुया। हालेलुया अरे नमो नमो युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमो नमो युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। चाचरण में नमो नमो चाचरण में समय कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमो न बनो युवा समय कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। बाइबल पढ़ने में नमो न बनो बाइबल पढ़ने में नमो न बनो आहा नमो न बनो युवा समय कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। ओ बोलो नमो न बनो युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। बोली में वचन में नमो न बनो बोली में वचन में नमो न बनो ओ नमो न बनो युवा समय में कोई कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। चाचरण में नमो न बनो चाचरण में नमो न बनो आहा नमो न बनो युवा समय कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। ओ बोलो नमो न बनो युवा समय कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। बाइबल पढ़ने में नमो न बनो बाइबल पढ़ने में
युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुझ ना जाने ओ नमूना बनो युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुझ ना जाने बोली में वचन में नमूना बनो बोली में वचन में नमूना बनो नमूना बनो युवा समय कोई तेरी जवानी को तुझ ना जाने ओ नमूना बनो युवा समय कोई तेरी जवानी को तुझ ना जाने ओ बोलो नमूना बनो युवा समय कोई तेरी जवानी को तुझ ना जाने प्रार्थना करने में नमूना बनो कोई तेरी जवानी को कुछ न जाने ओ नमूना बनो युवा समय कोई तेरी जवानी को कुछ न जाने कोई तेरी जवानी को कुछ न जाने कोई तेरी जवानी को कुछ न जाने हालेलुया हालेलुया प्रभु तेरी महिमा हो प्रभु तेरी प्रशंसा हालेलुया नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे नाम लियो रे नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे नाम लियो रे नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे पाप हरेगा श्राप हरेगा पाप हरेगा श्राप हरेगा पावन पावन सुंदर यीशु का नाम पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का ओ बोलो लियो रे नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे नाम लियो रे नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे शांति व देगा शक्ति व देगा शांति व देगा शक्ति व देगा हां शांति व देगा शांति हमें देगा शक्ति हमें देगा शांति हमें देगा शक्ति हमें देगा पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम 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 Thank you.
पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। ओ आमलियो रे, आमलियो रे, यीशु का नाम तारी आमलियो रे, आमलियो रे, जीवन वो देगा, खुशियाँ वो देगा, जीवन यीशु देगा, खुशियाँ यीशु देगा, जीवन वो देगा, खुशियाँ वो देगा, जीवन वो देगा, खुशियाँ वो देगा, जीवन यीशु देगा, खुशियाँ यीशु देगा, जीवन यीशु देगा, खुशियाँ यीशु देगा, अनंत जीवन यीशु देगा, खुशियाँ यीशु देगा, जीवन यीशु देगा, खुशियाँ यीशु देगा। पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, आइए पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन 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 सुंदर मेरे यीशु का नाम, 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 पावन 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 सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु की महिमा हो, राजा तेरी प्रशंसा हो, तेरी आराधना हो, राजा तू जो था जो है जो आने वाला परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी, सारे शैतानी शक्तियों को नष्ट करने वाले परमेश्वर हो, तेरा जय जयकार हो, तेरी महिमा हो राजा, तेरी महिमा हो राजा, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु के नाम की जय जयकार, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज हमेशा नासरी के नाम से आपके पास आते पिता,
इस सुंदर आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज हमने प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाया, आज हमने प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाया। आज प्रभु परमेश्वर हालेलुया इस जगह पे, इस जीवन नगर में और जिस जिस जगह से प्रभु ये सारे प्रभु परमेश्वर पिता दर्शक प्रभु देख रहे हैं प्रभु जी, उन सारे एरिया में प्रभु यीशु मसीह का राज्य आने पाए और वहाँ के सारे बलवान, यहाँ के सारे बलवान दुष्ट आत्माओं को हम यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं। ओ प्रभु परमेश्वर, सारे तंत्र मंत्र जादू टोना बुरी अरदास से जो भी कर रहे प्रभु जी, वो वहीं पे उलट जाए जहां से आई है पिता परमेश्वर, और अपने लोगों को तू आज आजाद कर दे प्रभु जी। शैतान के सारी वाचाओं को मैं तोड़ देता हूं प्रभु जी, शैतान की सारी वाचाओं को मैं नष्ट करता हूं प्रभु जी, शैतान की सारी वाचा यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, शैतान की सारी वाचा यीशु के नाम से लज्जित हो जाए, फज्जित हो जाए, उन सारी दुष्ट आत्माओं को आज हम यीशु के नाम से बांध के फेंक देते हैं, दूर फेंक देते हैं, ओ अग्नि कुंड में डाल देते हैं यीशु के नाम से। हे प्रभु, अपने लोगों की रक्षा कर, इन घरों के चारों ओर मैं यीशु के लहू का बाड़ा लगाता हूं, इन घरों के ऊपर अरे इस घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति के चारों ओर मैं यीशु के लहू का बाड़ा लगाता हूं। हे शैतान, छोड़ दे इनको, शैतान की सारी व्यभिचार की आत्मा, शैतान की सारी लालच की आत्मा, शैतान की सारी चोरी घात और नाश करने वाली आत्मा आज मैं यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूं, आज मैं यीशु मसीह के नाम से श्रापित कर देता हूं, आज मैं यीशु के नाम से लज्जित कर देता हूं। Get out in the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम से निकल जा। ओ तेरा प्रभु यीशु तेरे विरोध में है, प्रभु यीशु तेरे विरोध में है, प्रभु यीशु तेरे विरोध में, शैतान निकल जा यीशु के नाम से। हर एक जन को मैं प्रभु यीशु के नाम से आजाद कर देता हूं। प्रभु जितने भी हमारे कैलवरी चर्च के सदस्य है सबको आजाद कर दे प्रभु जी, सबको छुटकारा दे प्रभु जी। भाई आसफ के पापा जो एडमिट है प्रभु जी, उनको भी प्रभु परमेश्वर ठीक कर दे प्रभु जी, तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरण दे, और हे प्रभु तेरी महिमा होने दे, सारे अंधकार की शक्ति को लज्जित कर डाल। जो जो व्यक्ति बीमार है प्रभु, सारे बीमारों को मैं यीशु के नाम से चंगाई देता हूँ प्रभु। सिस्टर पुष्पा जो अपने गांव गई है पिता परमेश्वर, उनको भी तू चंगाई दे प्रभु परमेश्वर, सारे बंधनों को तोड़ दे। ओ प्रभु परमेश्वर, भाई मुकेश का हेलो जो ऑपरेशन होने वाला है, वो सारा ऑपरेशन पूरा कर और अच्छा कर पिता प्रभु जी, सारे बंधनों को तोड़ दे प्रभु जी, सारे अंधकार की शक्ति को लज्जित कर। सिस्टर कविता प्रभु परमेश्वर पूर्ण चंगाई दे प्रभु जी। जो जो व्यक्ति प्रभु परमेश्वर तकलीफ में है, जो जो व्यक्ति अस्वस्थता में है, उनको मैं यीशु के नाम से आज आजाद करता हूं, यीशु के नाम से आज मैं आजाद कर देता हूं। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी प्रशंसा हो, वचन पर तेरी आशीष रहे प्रभु जी, वचन पर प्रभु पूरा ध्यान देने के लिए सहायता कर प्रभु परमेश्वर पिता, अनडिवाइडेड अटेंशन प्रभु तेरे वचन को हम दे सके प्रभु जी, और इसलिए हमारी सहायता कर, एक चित्त हो के प्रभु तेरा वचन सुने प्रभु जी, ऐसा होने दे। इस फेसबुक पे हमें प्रभु आलोली इकट्ठा होने के लिए मदद किया, धन्यवाद। सारे कैलवरी चर्च के सदस्य जो प्रभु 4 बजे हर रोज इकट्ठे हो रहे प्रभु जी, अपना सारा काम छोड़ के वो प्रभु यहाँ पे आते हैं, उनके लिए धन्यवाद हो प्रभु जी। जितने सारे दर्शक भी है प्रभु जी, यहाँ तक कि बाहर के लोग भी प्रभु परमेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो हमारे प्यारे लोग बन गए प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु सिस्टर शैली के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई जसप्रीत सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं, इन दोनों परिवारों को आशीषित कर पिता प्रभु जी, इनके बंधनों को तोड़ दे पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा उतराने दे। सिस्टर शैली जो हमारे साथ जुड़ी है प्रभु, हालेलुया, उसको हमेशा चंगाई रख प्रभु जी। ओ कोई शैतानी तंत्र मंत्र के विरोध में कार्य करने ना पाए, ओ यीशु के नाम से सारे तंत्र मंत्र में श्रापित कर देता हूं। ओ प्रभु यीशु मसीह, तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों के ऊपर उतर आए, तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों के ऊपर उतर आए, सारे बंधनों को तोड़ दे प्रभु परमेश्वर, तू ऊंचा किया जाए प्रभु, कोई भी बीमार रहने ना पाए, सबको चंगाई दे, सबको आनंदित कर। धन्यवाद देते कि तूने हमारी दुआ कबूल करी है, धन्यवाद देते कि तू हमारे साथ है पिता, धन्यवाद देते हमारे सारे बंधनों को जो तोड़ता है प्रभु जी, धन्यवाद यीशु राजा, आदर महिमा सम्मान तुझको देते हैं प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को हमारे जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना कबूल कर पिता, आमेन 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 आमेन, हालेलुया। और प्रियो प्रभु का हम धन्यवाद देते, आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो है उस युद्ध के लिए लगातार दुआ करें। युद्ध चल रहा है आपको पता है, और इस युद्ध में प्रभु परमेश्वर हालेलुया विजय दे, इसलिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, और हमारा प्रभु जो है वो आने वाला है, हालेलुया। तो हम देख रहे थे कि जो है
हमारे जो है बहुत सुंदर लगता है कि जब हम प्रभु के वचन को देखते हैं। हालेलुया, हम तीतुस की पत्री पर भी अभी तक जो है चल रहे हैं और तीतुस की पत्री में प्रभु परमेश्वर का वचन हम देख रहे हैं। हालेलुया, तीतुस की पत्री फिर से हम निकालेंगे और उसका दूसरा अध्याय, यस, और उसके 11 वचन से लेकर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते हैं। तो हम अभी इन दिनों में देख रहे हैं कि बाट जोना, हालेलुया, दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, दे शैल माउंट अप विथ विंग्स लाइक ईगल्स, दे शैल रन एंड नॉट बी वेरी, दे शैल वॉक and not faint. Teach me, Lord, teach me, Lord, to wait. Teach me, Lord, teach me, Lord, to wait. Teach me, Lord, teach me, Lord, to wait. Hallelujah. Yes. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हमने यहोवा की बाट जोने के बारे में बताया और यहोवा की बाट जोने के बारे में जो कहा है कैसे यहोवा की बाट जोता रहे, प्रभु यीशु की बाट जोता रहे और पवित्र आत्मा की बाट जोता रहे। वो बहुत सुंदर रीति से हमने देखा था, यरूशलेम को ना छोड़ो लेकिन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। हालेलुया। और बाट जोना ये परमेश्वर ने हमको बताया था कि कैसे हमें बाट जोना है। हालेलुया। और बाट जोने के बाद हालेलुया क्या क्या प्रभु परमेश्वर ने हमें बताया था वो सारी बातें हमने देखी थी पिछले दिनों में। यहोवा की बाट जोना, हालेलुया, कैसे कैसे बाट जोना, और मेरे ख्याल से 7 बातें जो बाट जोने के बारे में बताई थी, प्रार्थना करके बाट जोना, दिन भर यहोवा की बाट जोना, धीरज से बाट जोना, धन्यवाद के साथ बाट जोना, पूरे जी के साथ हालेलुया बाट जोना, आशा के साथ बाट जोना, और हालेलुया हमारा छुटकारा इस निकट है इसलिए बाट जोना, फिर बाट किसकी जोड़ना, परमेश्वर यहोवा की बाट जोना और प्रभु यीशु की बाट जोना, पवित्र आत्मा की बाट जोना। हालेलुया, जैसे शिमोन प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहा था और प्रभु की पवित्र आत्मा ने उसे बताया था कि जब तक तू यीशु को ना देख ले तब तक तुझे मौत नहीं है, कितना सुंदर वाचा परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उससे कहा की थी, क्योंकि वह धर्मी जन था, शिमोन जब धर्मी था और इसलिए प्रभु ने उसको हालेलुया जब तक प्रभु का उद्धार नहीं देखा तब तक उसको मौत नहीं मिली। हालेलुया। और जब यीशु मसीह को उसने अपनी गोदी में लिया और कहा कि हे प्रभु अब मेरी आँखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, अब मुझे शांति से विदा होने दे, और वो शांति से मौत को उसने गले लगाया क्योंकि उसका उद्धार उसने देख लिया था। आज हम जब अपने उद्धार को देख लेते हैं तो हम जो है डरते नहीं और शांति के साथ जो है हम अपने मौत को भी गले लगाते हैं, क्योंकि मौत एक बुरी चीज नहीं है, मौत वो चीज है हालेलुया वो हमारे लिए लाभ है, हमें यीशु मसीह के पास ले जाएगी वो मौत। हालेलुया, इसलिए मौत से मत डरिए। हालेलुया, मौत जो है हमें प्रभु से मिलाएगी, हमें स्वर्ग से मिलाएगी। हालेलुया, इसलिए बाइबल में लिखा है हालेलुया कि जो है हमारे ब्रदर दीपक हालेलुया उनके जो है चाचा जी नहीं रहे। हालेलुया, मैंने ब्रदर दीपक को और जो है हालेलुया मैं जाके उनसे बात करी, मैंने कहा कि हम हालेलुया आपके चाचा जी को मिलेंगे, प्रेज द लॉर्ड, और हम उनकी ना ही शोक ना करें जिन्हें आशा नहीं है। जिनको आशा नहीं है उनके जैसे हम शोक ना करें, लेकिन हम हालेलुया बहुत जल्दी उनको मिलने वाले हैं, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। हम सब लोग स्वर्ग में जाएंगे और हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेंगे, वहां हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। स्वर्ग में जब जाएंगे तो
वहाँ हालेलुया जमकर होवेगा। हमारी पीढ़ी से पीछे वाली पीढ़ी भी इतनी सारी पीढ़ियां होके गई, सबको मिलेंगे हम। बाइबल की जो पीढ़ियां हैं वो पीढ़ियां मिलेगी हमको। और स्वर्ग में कितना जबरदस्त हंगामा और कितना हुल्लड़ होएगा, कितना आनंद का हंगामा होगा। हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर आशीषित करेगा। तो ये सारे वचन हम पूरे करते आए हैं। हालेलुया। और जो है हम देखते कि कैसे अब जो है प्रभु यीशु की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। बाट जोने की बहुत सारी बातें हमने देखी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोता रहे, ऐसे बाइबल में लिखा है। प्रभु यीशु के प्रकट होने की बाट जोता रहे। तो जॉली जब मेरे पापा प्रिंसिपल थे और जब हम घर में रहते थे तो वो आते थे, तो जो है आने के बाद में जो है हम सब जो है उनको देखते थे, क्या करते हैं, क्या करने पापा कैसे वगैरह। तो हम अपने आंगन में पापा आए तो पापा आ गए करते थे जो है, जब तक वो जो है मतलब सामने हो। हालेलुया। जब जैसे वो सामने आएंगे एकदम चुप शांत हो जाते थे। हमें अंदर से बड़ी खुशी होती थी, लेकिन पापा हमारे साथ बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वो जब घर में आते थे सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करते थी, फिर उनकी आवाज़ चलेगी सिर्फ, और वही जो है बात करेंगे। ये आजकल के माता पिता जैसे नहीं था एस्तेर जो है, कि आजकल जो बच्चे ही चलाते हैं, है ना। तो जो है ऐसा नहीं था उस समय। जब मेरे पापा घर में आते थे, मेरी चारों बहनें, मेरा भाई, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, और वो बोलेंगे क्या हो गया, कहाँ तक खाना आ गया, खाना बन गया क्या, आज तुम लोगों ने प्रार्थना करी क्या, ये हो गया क्या, वो हो गया क्या। हम खुश तो बहुत होते थे, पापा आए, लेकिन जब वो सामने आते थे एकदम शांत हो जाते थे, एकदम शांत। मेरे ख्याल से स्वर्ग में भी ऐसे ही होगा, कुछ ऐसे होगा, क्योंकि जो है उसके सिंहासन के सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। लेकिन हम तो बाइबल में लिखा है जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया वो दंड से पार हो चुके हैं, तो इसलिए वो संबंध इतना कड़क नहीं रहेगा जितना मेरे पापा रखते थे हमारे साथ। थोड़ा सा प्यार भरा संबंध रहेगा ज़रूर हमारा। हालेलुया। तो ये बात हम देखते थे कि जब आंगन में जब हम नाचते थे, मेरी बहन उषा और विजया, और तो जब हम हंसते थे खेलते थे कि जो है पापा आ गए, और हम जो है एकदम जोर से दौड़ते थे मम्मी को बताने के लिए कि मम्मी पापा आ गए, ये बताने के लिए इतनी होड़ लगती थी हमको। और हमारा घर मतलब बाहर आंगन होता था, फिर पहला कमरा, फिर दूसरा कमरा, फिर तीसरा कमरा, फिर किचन। आपने देखा मेरा घर, तो और वो भी ऐसे छोटे छोटे कमरे नहीं है जो दिल्ली जैसे, बड़े लंबे लंबे कमरे थे हमारे। और जो है पहले वरांडा होता था, वरांडे का जो है कमरा अलग, फिर दूसरा फिर क्या होता, फिर हम अंदर जाके मम्मी को बोलते मम्मी पापा आ गए। तो बस पापा आ गए इतना बताना और शांत रहना, मतलब कोई ज़्यादा और एक्स्ट्रा बातें नहीं करना। तो नहीं तो मम्मी का हाथ तो पापा के हाथ से बड़ा था, जब वो लगा देती थी ना एक, तो ज़्यादा बोलती नहीं थी, एक लगाएगी ऐसे करती थी मेरी मम्मी, शांत, हम सब लोग शांत रहते थे। मैंने तो बहुत कम मार खाया मम्मी का हाथ का, पापा के हाथ का बहुत मार खाया मैंने। जो है मम्मी बस कर देती थी, अब तेरा नाम पापा को बोल देती हूँ मैं, फिर तो उस दिन मेरी गई। बहुत जो है पापा से मार खाता था फिर तो, लेकिन मेरी मम्मी का मैं बहुत लाडला था, इसलिए मुझको मारती नहीं थी वो। और मेरी शिकायतें बहुत कम बताया करती थी, जो है शिकायत बोलने वाली मेरी जो है बहनें हुआ करती थी, और भाई तो मेरे से बहुत कम, लेकिन बहनें ज़्यादा होती थी। तो जब ये बात देखते थे कि जब हमारे पापा आते तो इतने खुश हो गए, कितने खुश, और डांस करते थे अपने आंगन में, और कोई दौड़ाता था अरे पापा मम्मी को बताओ, सब दौड़ते थे, ऐसा करते थे। तो ऐसा ही अब मेरे पापा साइकिल से आते थे। और लेकिन वहाँ पे एक और दूसरा परिवार रहता था, और वो परिवार जो है वो भी शाम के समय आता था उनके पापा, और वो किसी फैक्ट्री में काम करते थे जो है, रेलवे में मेरे ख्याल से काम करते थे, और शाम को वो आते थे। तो इनके तीन बच्चे थे,
और ये तीन बच्चे हमारी बातें देख कर कि पापा जब आते तो कितने खुश होते हैं, वो भी खुश होना शुरू कर देते हैं, वो भी नाचना शुरू कर देते हैं। फिर बाद में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जैसे वो घर है यहाँ पे और जो है थोड़ा सा दूरी तक जो है वो देखते थे कि पापा आ गए हैं, तो वो क्या करना शुरू कर दिया उन्होंने, जोर से दौड़ना और जाके एकदम पापा को लपक जाना, पापा जी मेरे लिए क्या लाया, उनकी थैली, उनकी बैग खोल के देखना, ये करना, पापा जी ऐसे करते थे। और बहुत पापा को भी बहुत अच्छा लगता था, ये जो है मेरे बच्चे हैं, ये मुझे इतना अच्छा प्यार कर रहे हैं। जो है आजकल तो जो है माता पिता आते तो कोई फ़ोन पे लगे रहते हैं, पता नहीं पापा आ गए, पापा इतनी मेहनत उठा रहे हैं, मम्मी इतना खाना बना रही, कोई कुछ नहीं, किसी से लेना देना नहीं, अपने फ़ोन पे लगे रहना। अगर कोई किसी को काम बताए तो उसके जैसे दुश्मन कोई नहीं फिर, माय गॉड। खैर तो जो है वो हमारे पड़ोस के परिवार को जो है वही आदत लग गई थी और वो दौड़ के जाते थे, दौड़ के जो है एकदम पापा जी आए। तो एक बार जो है वो शाम का समय था और शाम के समय में थोड़ा सा अंधियारा हो रहा था और अंधियारा होते होते फिर जो है उनके पापा आ गए और वो पापा आ गए तो पापा जी अंधियारा हो गया था पूरा, जो है अभी दिखाई नहीं दे रहा था, जो है सूर्य डूब गया था और अंधेरा होना शुरू हो गया था, अंधेरा ही हो गया था घर समझो, आलोली मतलब पूरा एकदम पूरा रात जैसे नहीं लेकिन अंधेरा हो गया था, काफ़ी अंधेरा हो गया था, 75% तक अंधेरा हो गया था। पापा आ गए जो दौड़ना शुरू कर दिया उन लोगों ने और जो है पापा को पकड़ लिया और जो है वो खैर पापा थे नहीं वो तो कोई और ही था और उसके दोनों हाथ में बैग थी, कोई ये हाथ की बैग छीन रहा है तो कोई वो हाथ का बैग छीन रहा है, तो कोई उनके लपक के ऊपर उछल रहा है, उसके गले में लटक रहा है, वो कह रहा है अरे क्या हो गया। तो वो बंदा पहले तो दो चार मिनट के लिए तो एकदम स्तब्ध हो गया, वो कह रहा कोई पता नहीं चोर आ गए, पता नहीं क्या हो गया, दोनों हाथों की बैग है बैग छीन के उसके अंदर देखना शुरू कर दिया और किसी ने ऊपर उछलंग लगा के ऊपर देख लिया। और जो है जब उस आदमी ने दो तीन मिनट तक वो आदमी एकदम डर गया, स्तब्ध हो गया, वहीं पे खड़ा हो गया कि ये वो मेरे साथ हो तो क्या हो रहा है, बाप रे। और एकदम जो है वो जो है उसने कहा भाई क्या कर रहे हो, और तब जो है बच्चों को लगा अरे ये पापा नहीं है, उन्होंने बैग वैग वहीं छोड़ के भाग गए फिर से, अरे पापा नहीं है। अरे लिया और वो लोग जो है वैसे पापा उनके बहुत लेट आए उस दिन, लेकिन वो पापा की इंतजार कर रहे थे और जो है काफ़ी मतलब 7:30-8 बजे हो गएंगे कि जो है वो तब आए और वो किसी और ही व्यक्ति को पकड़ लिया, पापा बना लिया उसको और जो उसके ऊपर छलांग लगाना शुरू कर दिए, तो वो छोटा बेटा था वो पूरा उछलता था और एकदम गले में लपक जाता था। हालेलुया जो है, और जैसे आज एस्थर मेरे ऊपर लपक रही थी ना, चीनी का बोरा बना रही थी मुझको तो वैसे ही वो जो पापा वो जो बेटा था वो एकदम ऊपर उछल के बैठता था, तो वैसे ही उसने ऊपर उछल के बैठा, वो आदमी को लगा कि अब गई मेरी दोनों बैगे, और जो दोनों बेटियां थी वो जो है फटाफट बैग खींच के उसके हाथ से जब वो देने के लिए तैयार नहीं फिर भी खींच लिए उसके हाथ से। और ये सारा तमाशा हम देख रहे हैं और जो है जब उनको मालूम चला 2-4 मिनट के बाद कि ये पापा नहीं है जो है, तब जो है वो चोट छाड़ के तब भाग गए। हालेलुया वो इंतजार कर रहे थे। और बाइबल में लिखा है कि बहुत सारे जो है ऐसे लोग होंगे कि जो मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीहा हूं, हालेलुया, और तुम भरमाया मत जाना। तो आज हम वही देखेंगे कि कैसे हालेलुया प्रभु यीशु मसीह कहता कि प्रभु का वचन बताता कि उसके प्रकट होने की बाट जोते रहो, उसके प्रकट होने की बाट जोते रहो। अब हम ये प्रभु के प्रकट होने की बाट कैसे जोते, कैसे जोना शुरू करें, हालेलुया। उसके प्रकट होने की बाट जोना मतलब बहुत ही जो है वो जो है कैसे करना मतलब, तो आज हम 5 बातें देखेंगे। और पहली बात जो है अगर बाट जोना है हमको तो जो है कैसी बाट जोना, और वो 5 बातें आज हम देखेंगे। बहुत सुंदर स्टडी है ये कि बाट कैसे जोना, हम हमेशा कहते रहते बाट जोते रहो। अरे भाई कैसे जोते रहे, जैसे क्या कर बस स्टैंड, जैसे बस स्टैंड के ऊपर जो बैठे रहते हैं वैसे बैठे रहे क्या,
हाँ इंतजार करते रह गया प्रभु का, कैसे बाट जो है हम, तो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे बाट जो है। तो बाट जोने के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय का 22 वचन क्या लिखा है, सिस्टर जॉली पढ़िएगा आप। प्रभु हमारा प्रभु आने वाला है, हमारा प्रभु आने वाला है, कितनी सुंदर बात। तो प्रभु जब हमारा आने वाला है तो क्या करना है, फिर हमें उसकी बाट जोने जोना है। और जैसे उस हमारे पड़ोस के लोगों ने किसी और को ही पापा समझ लिया, उसी को गले लग गए। आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कोई थोड़ा सा चमत्कार दिखाए तो उसी के पीछे लगे रहते हैं। हमारा प्रभु जो सर्वश्रेष्ठ प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा प्रभु है, और वो आने वाला है। और इसलिए तुम आपस में एक रहो, आपस में हालेलुया सलाम करो, आपस में एकता में रहो, और उसकी बाट जोना। जो प्रभु की बाट जोते हैं वे शक्ति प्राप्त करेंगे। बाट जोना मतलब इंतजार करना, बाट जोना मतलब जो है इंतजार करना कि प्रभु कब आ रहा है, इंतजार करना। हम उसकी इंतजार में बैठे हैं प्रियो, हालेलुया। तो इंतजार करना ऐसे ही बैठे रहे फोन के ऊपर सारे गंदे सेक्सी वेबसाइट पे देखते रहो, या सारे खेल खेलते रहो, या दुनिया भर की गंदे काम करते रहो और बाट जोते रहो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर बाट जोना है तो कैसी जोना है, आज हम पांच बातें देखेंगे। पहली बात, जब बाट जोना है तो हालेलुया जो है कैसी जोना है, क्या लिखा है, पढ़िए उस वचन को, प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 19 वचन। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे तुम प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आओ। हाँ, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। मन फिराना है प्रियो, बाट जोना मतलब कैसी बाट जोना है, मन फिराओ। तो जो है मैं दिन भर बहुत सारी नॉटीनेस करता था, और शाम को फिर मम्मी के पांव दबाना शुरू कर देता था, मम्मी को थोड़ा सा क्या मक्खन लगाना शुरू कर देता था, कोई बटरिंग कर देता था, और जो है पैर दबाऊंगा, मम्मी के साथ बातें करूंगा कि यार ये मम्मी तब बता देंगे ना पापा को तो हालत खराब हो जाएगी मेरी। तो क्या करें, पापा की मम्मी की बटरिंग करो, मम्मी के साथ प्यार से रहो, मम्मी क्या करें। कभी कभी मम्मी तो पैर दबाने देती दे थी मुझको, कभी कभी वह हट रहे हट, सारा ये कर रहा था वो कर रहा था, हाँ तुझको बताया था ना ये काम मत कर, फिर क्यों बताया, अब तेरे पापा को आने दे। मैं तो बड़ा अस्वस्थ हो जाता था, अच्छा मम्मी सॉरी मम्मी सॉरी मम्मी मम्मी सॉरी, अब पापा आ रहे देखते तेरे देखते तेरे, तो मैं तो बड़ा अस्वस्थ हो जाता था कि अब पापा आने वाले हैं। तो इसलिए हालेलुया मैं बाट जोता था क्या, मम्मी को माफ़ी मांगता था, मम्मी सॉरी मम्मी अभी नहीं बताना अभी बताना अभी, फिर कभी कभी मम्मी मान जाती थी। उसी प्रकार जब हमारा यीशु मसीह आने वाला है तो पश्चाताप कर लो, जितने सारे नॉटीनेस करे अभी तक, जितने सारे पाप किए अभी तक, वो सारे पापों के लिए माफ़ी मांगना। लेकिन ये नहीं कि मेरा काम कैसा होता था कि आज माफ़ी मांग लिया कल फिर से वही काम करना शुरू करो, वही जो है अपनी नॉटीनेस करो, वही जो है बहनों को छेड़ो, बहनों की मजाक करो, बहनों की ये करो, और बहुत नॉटीनेस। तो ये चीज़ नहीं करना है। जब आपने माफ़ी मांगी, माफ़ी का मतलब पश्चाताप किया, इसका मतलब पश्चाताप के योग्य फल लाओ। ये नहीं कि तुम कल फिर से वही करो, फिर मम्मी कभी बता देती थी फिर, अच्छा तू अच्छा फिर से आज वही करो ना, आज तो पक्का बेटा आज तो देख ले, और वो फिर मुझे मेरी जो है वो हंसीरी लग जाती थी, और फिर पापा जो है वो ठीक करता था करते थे मुझको। प्रियो हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और वो हर एक को ठीक कर देगा। इससे पहले कि वो हमको ठीक करे, इससे पहले कि वो हमको डंडे लगाए, इससे पहले कि वो हमको नरक में भेजे, आओ हम पश्चाताप करें। उसकी बाट कैसी जोना, उसकी बाट जोना मतलब जो है पश्चाताप करके उसकी बाट जोहना, पश्चाताप करके उसकी बाट जोना। दूसरी बात पढ़े वचन को, हालेलुया कि कैसी बाट जोना, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 3 वचन। सोचेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे,
और मन फिरा, और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नई आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। और सर्दीस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की सात आत्माएं हैं और सात तारे हैं, ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत रहे और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने की को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। यस, ये सर्दीस की कलीसिया, सर्दीस की कलीसिया के दूत को प्रभु की आत्मा कहता है जागृत रहे। क्यों जागृत रहे? हालेलुया, तू यदि जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू यदि कदापि जान ना सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। भाव रे, जागृत रहे, जागृत रहे और जागृत रहे, और वो जो शिक्षा दी है उसको सुन ले। आज प्रभु की आत्मा से यही करे कि तू जागृत रहे और जो शिक्षा पाई है उसको उसमें बना रहे। मैं उसके ऊपर भी मेरे जो है बचपन की मेरे बहुत सारे जो है याद है, यादेश याद ही याद की बात है। तो जो है मेरी मम्मी जो है हमारे आंगन में, आंगन से भी आगे वहाँ पे जो है कपड़े धोती थी, और वहीं पे उसके साथ एक इमली का पेड़ होता था और उस इमली के पेड़ पे हमेशा मैं चढ़ के बैठता था, बंदर जैसे हमेशा उधर ही चढ़ के बैठूंगा, मजाक करूंगा, इमली खाऊंगा, ये करूंगा। और पिछले दिनों में मैं जो है बीमार पड़ा था, खांसी इतनी हो गई थी, कच्ची इमली खाना बहुत पसंद था मुझको, इतनी इमली खाता था मैं बात रहे। और जो है कच्ची इमली खाओ, कोई जो है कहते थे अरे देखो देखो पकी हुई पकी, देखो पक गई, मेरे दोस्त अरे देखो पक गई, तो उनको पत्थर मारो या तो ऊपर चढ़ के उसको जो है निकालो, और कहते ये कहाँ पकी रे, आधी पक गई है, अच्छा चलो आधी पकी है। तो ऐसे हम बहुत सारे कारनामे करते थे। तो बीमार पड़ गया, दवाई लाई, पापा ने ठीक हो गया, फिर जो है ठीक होने के बाद में फिर अपना जो है इमली की पेड़ पे चढ़ के बैठना, और पापा को मम्मी ने बताया अलग आके, ये लड़का जो है सुनता नहीं है और ये इमली की पेड़ पे जाके बैठता है। तो जैसे आप जाते हो इमली की पेड़ पे जाके बैठेगा वो, हैं ठीक है। तो जो है भाई इंतजार करते बैठते हैं, पापा कब जाएंगे, यार पापा क्यों ये बैठे रहते हैं, जाओ बोले जाओ अपने बाजार जाओ, हमको भी तो खेलना है भाई, हमको भी तो खेलना है। तो पापा फिर चले गए। पापा ने एक बार मुझे उस दिन कहा, प्रदीप हाँ पापा हाँ पेड़ पे मत चढ़ना, ठीक है पापा। अब मुझको पता था कि मम्मी तो बताएगी तो है नहीं, पापा चले गए अपने साइकिल से, मैं अपना जो पेड़ पे चढ़ के बैठ गया, वहाँ पे उंगली जो इमलिया खाने लगा, और उतने में पापा फिर से तुरंत आ गए अरे बाप रे बाप, मेरी तो हालत खराब हो गई। पापा ने कहा था कि तू इमली के पेड़ पे चढ़ना नहीं, और उसने मेरी बहन तब स्काउट गाइड में थी, तो उसके लिए पता नहीं कोई बड़ा मोटा रस्सा लाया था पापा ने, उस रस्से से जो मेरी सुताई हुई, अभी तक मुझे याद है बहुत सुताई हुई। उसके बाद में मैं जो है बहुत कम बार जो है पेड़ पे चढ़ा, और जब भी पेड़ पर चढ़ता था मैं रास्ते में देखता कहीं पापा तो नहीं आ रहे खैर हालेलुया, बचपन की बात है हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है तो छेद कर, हालेलुया, कैसी शिक्षा प्राप्त की, इमली की पेड़ पर नहीं चढ़ना, पाप नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी के विरोध में नहीं बोलना, किसी के बारे में गलत साक्षी नहीं देना, किसी को तुच्छ नहीं जाना। चेत कर, तूने किस रीति से की शिक्षा प्राप्त की है और सुनी थी, चेत कर कैसे प्रभु को प्यार करना, चेत कर कैसे प्रभु को दशमांश देना, चेत कर कैसे प्रभु को प्रेम करना और उसको समय देना, चेत कर। और यहां पे लिखा है जागृत रहे, जागृत रहे, जागृत रहे।
मैंने तुझको अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। जागृत रहे, जागृत रहे। हमें बाट कैसी जोनी है, पश्चाताप कर गए और अपनी शिक्षा पे जो प्रभु ने दी है उसके अनुसार चलने के द्वारा हमें क्या करना है, बाट जोनी है, बाट जोनी है। और बाइबल में लिखा है यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नाय आऊंगा और तू कदापि जान ना सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। और बाइबल में लिखा है कि हालेलुया, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाए और पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि वो ये शब्द किसके लिए कहता है पता है क्या, वो चौथे वचन में, हाँ सरदीस तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इसके योग्य हैं। और फिर लिखा है जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो हम देखते हैं कि जागृत कैसे रहे, बाट कैसे जोना है हमको, जागृत रह गए। बाट कैसे जोना है हमको, हम जितने पश्चाताप करके। फिर अगर हम तीसरी बात देखेंगे हालेलुया, तो वो तीसरी बात हालेलुया नहीं, वही जागृत रहने के बारे में अगर आप पढ़े कि 10 कुमारियां थी जॉली, उन 10 कुमारियों के बारे में हालेलुया, कोई जागृत थी, 5 जागृत थी और 5 जय जागृत नहीं थी। सोई तो सारी लेकिन जो है उनको जब उठाया गया तो जो है जो बाट जो रही थी वो तब मालूम चला कि जो तैयारी के साथ बाट जो रही थी कुछ लोग थी, कुछ 5 ऐसी मूर्ख थी कि जो परमेश्वर की तैयारी के साथ बाट नहीं जो रही थी। आधी रात को धूम मची, पढ़ी उस वचन को 25 अध्याय के 6वें वचन से लेकर जो है हालेलुया 13 वचन तक। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा ही रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। तो यहाँ पे प्रभु का वचन बताता है कि कैसे हमें जागृत रहना है। तो आज हमने ये हालेलुया दो बातें देखी कि कैसे पश्चाताप करके बाट जोनी है और दूसरी बात जागृत कैसे रहना है, जागृत रह के परमेश्वर की बाट जोनी है। 5 कुमारी मूर्ख थी, 5 कुमारी ज्ञानी थी, समझदार थी। उन्होंने मशालों के साथ साथ अपने कुप्पियों में भी तेल भर लिया और इसलिए जो तैयार थी वो साथ में जा पाई। बाट तो 10 जो रही थी, 10 गांव, 200 को भी इंतजार था कि दूल्हा आएगा, दूल्हा आएगा, दूल्हा आएगा, दूल्हा आएगा, लेकिन जो तैयारी के साथ थी वही उसके साथ जा पाए। अब यीशु मसीह हमारा दूल्हा आने वाला है और जो जो तैयार है, जिन्होंने पश्चाताप किया है, पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बपतिस्मा लिया है डूब के, जिनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है, वही लोग स्वर्ग में जान पाएंगे, बाकी के लोग स्वर्ग में जाने नहीं पाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने आप को प्रभु के सामने लीन दीन बनाओ और हम प्रभु के लिए तैयार हो जाए। प्रभु से कहे कि प्रभु तेरी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंडलाने दे। तो प्रभु परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। और ये दो बातें आज हमने देखी,
कि पश्चाताप करके परमेश्वर की बाट जोना, पश्चाताप करके जागृत कैसे रहना है, जो है बाट कैसे जोनी है, जागृत रह के बाट जोनी। आइए हम दुआ करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यह परमेश्वर, आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु तेरे लोगों के लिए, और प्रभु तेरी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तू जीवित परमेश्वर है और तू सच्चा परमेश्वर है और तू कभी ना बदलने वाला है। प्रभु हम तेरी बाट जो रहे हैं, बाइबल में लिखा है कि जो यीशु हालेलुया उठा लिया गया वही यीशु फिर से आने वाला है और उसी यीशु का इंतजार हम कर रहे हैं। वो यीशु मसीह आएगा और हमको अपने साथ बादलों पर स्वर्ग में उठा के ले जाएगा। हे प्रभु जी, तेरी आशीष का हाथ अपने लोगों के ऊपर उतर आने दे। हे परमेश्वर, हम सब लोग तेरी बाट जो रहे हैं लेकिन कैसी, पश्चाताप के साथ हम सब लोग तेरी बाट जो रहे हैं, कैसे जागरूक रह के। ओ सर्दिस में यहाँ पे ऐसे कुछ विश्वासी थे जो प्रभु खड़े थे और इसलिए हम तेरी स्तुति करते प्रभु, हम तेरी प्रशंसा करते प्रभु कि प्रभु तूने उनको संभाला और तूने उनका नाम जीवन की पुस्तक में से नहीं काटा। और प्रभु परमेश्वर पिता, वो 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारी थी जो समझदार थी और जो प्रभु के साथ दूल्हे के साथ चली गई। हमारे प्रभु परमेश्वर पिता कलवरी चर्च के सारे सदस्य और जितने सारे ये दर्शक है प्रभु जी, ये सारे दर्शक प्रभु जी, प्रभु पश्चाताप करे, अपने पापों से माफी मांगे और प्रभु स्वर्ग में जाने के लिए तैयार रहे, पश्चाताप करे प्रभु परमेश्वर पिता और जागरूक रहे और परमेश्वर की बाट जो है। इस दुनिया में अभी तक कोई भी सिकंदर, जितने सिकंदर आए, हर आए और मर गए और हमको भी एक दिन मरना ही है और इसलिए प्रभु जी पूरी तैयारी के साथ मरने के लिए, पापों की क्षमा करके हालेलुया, ओ प्रभु तुझे अपने जीवन में ग्रहण करके फिर बाद में मरने के लिए सहायता कर। सारे बंधनों को तोड़ दे। जितने सारे बीमार हैं उन सारे बीमारों को मैं यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्रदान करता हूँ। उनके पापों की क्षमा कर प्रभु जी, उनके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ दे। और हे प्रभु, उनकी सारी चिंताएं, उनकी सारी अस्वस्थता और बेचैनी यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु के नाम से श्रापित हो जाए और तेरी शांति दे प्रभु। धन्यवाद तूने हमारी दुआ कबूल करी है, यीशु के नाम से मांगते सुनो कबूल कर पिता, आमेन आमेन। प्रियो, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया, मैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि आपने अगर पश्चाताप किया है, अपने पापों से माफ़ी मांगी है तो मेरे पीछे प्रार्थना करें और आप जोर से गए अपने घर में, हे परमेश्वर पिता यीशु के नाम से मेरे पापों की क्षमा कर, मेरे दिल में आ, मेरे अधर्मों को दूर कर, मैं तुझी को मानता हूं। जब तू अपनी महिमा में आएगा तो मेरी सुधि लेना प्रभु और मुझे भी स्वर्ग में लेना। मैं अपने पापों से माफी मांगता हूं, जो जिम्मेवारियां वो पूरी करूंगा। प्रभु परमेश्वर मेरी सहायता कर। जितने भाई बहन देख रहे हैं उन सबको स्वर्ग का अनुभव दे प्रभु और उनकी बीमारी दूर कर। तू मेरे दिल में आया इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता, आमेन। प्रियो, अगर आपने ये छोटी सी प्रार्थना की है तो प्रभु ने आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिया है और आप भी पश्चाताप करते रहिए, अपने पापों से माफी मांगते रहिएगा। जो गलत काम आप कर रहे हैं वो सब गलत काम छोड़ दीजिए, वह व्यभिचार, वो लालच, चोरी, घात, नाश, सब शैतान के काम छोड़ दीजिए और प्रभु का काम पकड़िएगा और प्रभु आपको बहुत आशीषित करता है, प्रभु आपको प्यार करता है। आपने अपना कीमती समय दिया, आप यहाँ पे आए और प्रभु का वचन आपने सुना, प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कैलवरी चर्च के हर एक सदस्य के साथ और हमारे सारे दर्शकों के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे, आमेन आमेन आमेन। प्रियो, कृपया जिन्होंने शेयर किया है इसलिए
आप सबका धन्यवाद। आज जिन्होंने शेयर नहीं किया है, कृपया अपने सारे मित्रगणों को, रिश्तेदारों को शेयर करिए, उनको भी कहिए कि आप भी 4 बजे आइए। आप सबको प्रभु आशीषित करे। शालोम शालोम शालोम।